पेरिस में राजनाथ सिंह की फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ बैठक। आज फ्रांसीसी रिपब्लिकन गार्ड ने राजनाथ को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कल फ्रांस ने भारत को औपचारिक तौर पर सौंपा पहला लड़ाकू विमान राफेल। राजनाथ सिंह ने मेरिनेक एयरबेस पर की शस्त्र पूजा। राजनाथ सिंह ने की राफेल लड़ाकू विमान की रोली चंदन के साथ पूजा। राफेल पर बनाया ओम का निशान, नारियल और फूल भी चढ़ाए। फ्रांसीसी एयरफोर्स के पायलट के साथ राफेल पर सवार हुए राजनाथ, आसमान में भरी ऊंची उड़ान। राजनाथ सिंह ने कहा, राफेल का मतलब होता है आंधी, मुझे विश्वास है कि ये अपने नाम पर खरा उतरेगा। मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग पर दिए बयान पर टीम, युवाओं के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग और भागवत को नहीं आ रही है नजर। 14 से जब से बीजेपी की सरकार बनी, एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है। मिस्टर मोहन भागवत, मॉब लिंचिंग का ताल्लुक भारत से है। दिग्विजय सिंह का भी मोहन भागवत पर तंज, बोले जिस दिन भागवत एकता के संदेश पर करेंगे अमन, बंद हो जाएगी मॉब लिंचिंग। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग का बताया था बाइबल का शब्द, लिंचिंग के नाम पर षड्यंत्र की कही बात। श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष रामविलास वेदांती बोले, 17 नवंबर से पहले आ जाएगा राम मंदिर पर फैसला, अयोध्या में होगा भव्य मंदिर का निर्माण। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे ने फिर भरी हुंकार, बोले जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक उठाते रहेंगे आवाज। बीजेपी से गठबंधन की खातिर सीटें छोड़ने पर उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से मांगी माफी, महाराष्ट्र में गठबंधन का समर्थन करने की अपील की। कश्मीर पर उद्धव ने की अमित शाह की जमकर तारीफ, बोले 370 हटना बाला साहब का सपना था। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, अगले दशहरा में उद्धव के बगल में बैठेगा शिवसेना का सीएम। शिवसेना ने किया जनता से वादा, 1 रुपए में होगा मेडिकल चेकअप, 10 रुपए में मिलेगा पेट भर खाना। कश्मीर पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, चीन ने भी बताया कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत के दौरे से पहले कश्मीर पर चीन का रुख साफ किया, कहा दोनों देश आपस में बातचीत से सुलझाए कश्मीर विवाद। पाक में सियासी खींचतान का एक और संकेत, पीएम इमरान खान के चीन दौरे से कुछ घंटे पहले चीन पहुंचे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पहले जाना था साथ। यूपी के संभल का रहने वाला अलकायदा आतंकी आसिम अमरीकी हमले में अफगानिस्तान में ढेर, अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर ने दी जानकारी, सितंबर में मौत का दावा। आसिम अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का करीबी था, पीएम मोदी को 2015 में दी थी धमकी, 90 के दशक में छोड़ दिया था हिंदुस्तान। आज सुरजेवाला के गढ़ में अमित शाह के हुंकार, कैथल में मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। हरियाणा में अशोक तंवर के समर्थन में आए सुरजेवाला, बोले किसी भी नेता के पार्टी छोड़ने से होता है नुकसान। बीजेपी नेता अनिल जैन के बंदर वाले बयान पर दुष्यंत चौटाला का बलात्कार, बोले बीजेपी रूपी रावण को वानर सेना लगाएगी आग। चेतावनी देता हूँ दशहरे के दिन, और जो इनने प्रदेश को जलाया, प्रदेश को बर्बाद किया है, उस रावण रूपी बीजेपी को प्रदेश से बाहर कर। सीएम त्रिवेंद्र रावत के फर्जी वायरल वीडियो को लेकर केस दर्ज, रुड़की के कार्यक्रम में राष्ट्रपति कोविंद के साथ वीडियो को एडिट कर किया गया वायरल। असम के नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की फटी पाइप, चारों ओर आया सैलाब। पाइपलाइन से निकला पानी का फव्वारा, प्रति सेकंड 12,000 लीटर की सप्लाई करती थी पाइपलाइन। ओपी हाइड्रो प्रोजेक्ट में घुसा पानी, बिजली उत्पादन रोका गया, 4 कर्मचारी लापता। उन्नाव रेप केस मामले में बलात्कार के वक्त विधायक कुलदीप की लोकेशन को लेकर आ सकती है रिपोर्ट, एप्पल मोबाइल कंपनी को देनी है कुलदीप की लोकेशन। सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई। मुरादाबाद में बच्चा चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बस अड्डे पर दंपति ने महिला का बच्चा किया चोरी। दिल्ली में शादी समारोह में डांस के दौरान लहराई गन, लड़कों ने की अंधाधुन फायरिंग। झांसी में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने किए एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात, पुलिस एनकाउंटर को बताया फर्जी। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। मंदसौर में विसर्जन के दौरान हादसा, युवक की डूबने से मौत। दिल्ली में स्टूडेंट बनकर लूटपाट करने वाला शातिर गिरफ्तार, 22 साल की उम्र में 60 मामलों को दे चुका था अंजाम। देवबंद में बलात्कार के बाद लड़की ने की आत्महत्या, रिश्तेदार पर रेप का आरोप। ग्रेटर नोएडा में ममेरे भाई ने लूट के इरादे से कराई मुथूट फाइनेंस मैनेजर की हत्या, पुलिस 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
फतेहपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प, बीच चौराहे पर जमकर मारपीट। सीतापुर में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में लाइसेंसी असलहों से फायरिंग, खुलेआम हवा में तनादन दागी गई गोलियां। मध्य प्रदेश के धार में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 ट्रक जब्त। और में पुलिस के खिलाफ निकला लोगों का गुस्सा, गांव वालों ने सड़क पर की आगजनी, पुलिस पर लगाया आधा दर्जन लोगों से मारपीट का आरोप। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर गांव वालों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, रेलवे के अंडरपास का कर रहे थे विरोध। सीहोर में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की मौत, सोयाबीन की फसल निकालते वक्त हुआ हादसा। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस की गिरफ्त में आए 7 किडनैपर, 15 लाख की मांगी थी फिरौती। दिल्ली में सिलेंडर फटने से मां बेटी की मौत, चूल्हा रिपेयर करने आया शख्स गंभीर रूप से घायल। गया में तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी की चपेट में आने से शख्स की मौत, गुस्सा लोगों ने कार में लगाई आग। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, दुकान का सामान जलकर खाक। देवास में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत, नहाने गए थे बच्चे। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 6 युवक डूबे, 3 की मौत। यूपी के मऊ में मां बेटे की दिन दहाड़े हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर बरसाई गोलियां। लखनऊ में एटीएस कमांडो ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से दफ्तर में खुद को मारी गोली। प्रयागराज में मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। बुलंदशहर में 3 सुपारी केले चढ़े पुलिस के हत्थे, 1 तमंचा, 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद। हाथरस में जमीन विवाद में परेशान सीआरपीएफ के जवान की धमकी का वीडियो वायरल, कहा इंसाफ नहीं मिला तो बन जाऊंगा पान सिंह तोमर। कोटा में टोल मांगे जाने पर एक महिला ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, परिवार के रसूख का लिया हवाला। टीकमगढ़ में एसयूवी से टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत, उमा भारती के भतीजे पर एसयूवी ड्राइव करने का आरोप। उड़ीसा के मलकानगिरी में बाथरूम में मिला विशाल किंग कोबरा, काफी जद्दोजहद के बाद पकड़ा जा सका। रीवा में हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, 2 लोगों घायल। दिल्ली के ओखला विहार में मेट्रो ट्रैक के करीब एक पेड़ पर लटका मिला एक युवक का शव, नहीं हो सके शिकना। हरियाणा के आदमपुर में बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट जनसभा के दौरान भड़की, मौजूद लोगों को कहा पाकिस्तानी। सोनाली ने मंच से लगाया था भारत माता की जय का नारा, भीड़ के नारे नहीं लगाने पर कहा शर्म आती है, आप जैसे लोग भी हैं हिंदुस्तानी। गृहमंत्री अमित शाह की बीड में रैली, बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे का किया प्रचार। हिसार की रैली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का सोनिया गांधी पर हमला, कहा आतंकवादी की लाश देखकर रोती हैं कांग्रेस के मुखिया। अयोध्या में तीसरे दिन भी अनशन पर है स्वामी परमहंसानंद, अयोध्या मामले के पक्षकार, हाजी महबूब के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। पटना में प्याज के ट्रक ड्राइवर की हत्या, ट्रक को लूटा। महाराजगंज में ट्रक और बाइक की टक्कर, 2 की मौत। पटना के मनेर में गंगा नदी में 2 नावें आपस में टकराई, 16 लोगों को बचाया गया, 3 लापता। बांकुड़ा में बीएसएफ के जवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी के दौरान बिजली गिरने से हुई थी मौत। 28 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद, मां गंगा की उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ अपने मायके मुखबा के प्रस्थान करेंगे। फिल्म वॉर की बॉक्स ऑफिस पर धूम जारी, बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म। सलमान खान के दबंग 3 में विलन का पोस्टर हुआ रिलीज, दक्षिण भारत के एक्टर किच्चा सुदीप बने हैं खलनायक। जीरो के बाद किसी फिल्म का ऐलान ना किए जाने पर ट्रोल हो रहा है शाहरुख ने दिया जवाब, बोले मैं खुद हूं बॉलीवुड, नहीं रह सकता दूर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने फिल्म 83 की पार्टी में की मस्ती, वीडियो वायरल। संजय दत्त की फिल्म वास्तव को 20 साल पूरे, संजय दत्त ने ट्वीट कर किया याद। पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने कसी कमर, प्रैक्टिस में बहाया पसीना। दक्षिण अफ्रीका कप्तान डी प्लेसी की हुंकार, बोले इस बार नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, सीरीज में 0-1 से पीछे है मेहमान टीम। बॉलिंग कोच भरत अरुण का दावा, कहा हम नहीं मांगते पसंद की पिच, हर तरह की कंडीशन में शानदार प्रदर्शन करने पर करते हैं फोकस। बॉलिंग कोच ने जमकर की मोहम्मद शमी की तारीफ, कहा विपरीत हालात में भी विकेट निकालने की काबिलियत है शमी में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला टीम को झटका, चोट की वजह से आज होने वाले तीसरे वनडे से बाहर हुई स्मृति मंधाना। वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची 6 बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम। शंघाई मास्टर्स टेनिस के तीसरे दौर में पहुंचे रॉजर फेडरर, स्पेन के अल्बर्ट रामोस
विनोलास को सीधे सीटों में दी मात। तीसरी सीट रूस के डैनियल मेदवेदेव भी अगले दौर में पहुंचे। ब्रिटेन के कैमरून नूरी को सिर्फ 54 मिनट में किया चलता। इटली के फैबियो की शंघाई मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम। ब्रिटेन के एंडी मरे को 3 सेटों में हराया। 2019 में अब तक बिकी एकमात्र टाटा नैनो कंपनी अप्रैल 2020 तक उत्पादन और बिक्री कर सकती है बंद। रेल यात्री कंपनी बसों की संख्या को बढ़ाकर 2 साल में 65 से बढ़ाकर 2000 करेगी। $10 करोड़ के निवेश की योजना। एक्सिस बैंक ने 15 दिन में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दर में किया संशोधन। 4 अक्टूबर से होगा लागू। संयुक्त राष्ट्र पर छाया आर्थिक संकट। धनकोष की कमी को लेकर सचिवालय के कर्मचारियों को लिखा पत्र। SBI अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर दे रहा है इंडिया का दिवाली ऑफर। ज्यादा खरीदारी पर मिलेंगे इनाम। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने के फैसले के खिलाफ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शन। ट्रंप से फैसला वापस लेने की मांग। सीरिया की सीमा पर टर्की ने लगाए टैंक। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में घुसने को तैयार टर्की सैनिक। टर्की की सेना के खिलाफ सीरिया के शहर ताल अबियाद में प्रदर्शन। सीरिया टर्की बॉर्डर पर लोगों ने टर्की के खिलाफ लगाए नारे। इक्वाडोर में राजधानी क्वेटो में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। आर्थिक नीतियों का विरोध। पेरिस के उत्तर पश्चिम इलाके में किसानों का प्रदर्शन। सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में किया हाईवे जाम। दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद अल्जीरिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। राष्ट्रपति को तुरंत हटाने की मांग। टर्की के बॉर्डरों में फ्लैश फ्लड से तबाही। दर्जनों घर और होटलों में घुसा पानी। टर्की के बॉर्डरों में सड़कों पर दिखा समंदर जैसा मंजर। सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं से मिली ग्रेटा थनबर्ग। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साथ देने का दिया भरोसा। मेक्सिको के अल्बकर्की में अंतर्राष्ट्रीय बलून उत्सव का आयोजन। रंगारंग गुब्बारे से सजा आसमान। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।